एटीएम तोड़ा, नकदी नहीं मिलने पर खाली हाथ लौटे। पुलिस ने दर्ज किया मामला। कुछ चोरों ने शनिवार तड़के महाराष्ट्र के पालघर शहर के पास एक राष्ट्रीयकृत बैंक की स्वचालित टेलर मशीन तोड़ दी, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा क्योंकि अंदर कोई नकदी नहीं थी। इसकी जानकारी पुलिस ने दी है। उन्होंने कहा कि वे एटीएम से कुछ भी नहीं ले सके क्योंकि उसमें कोई नकदी नहीं थी, क्योंकि मशीन में कुछ मरम्मत का काम चल रहा था। पालघर महाराष्ट्र एजेंसी। कुछ चोरों ने शनिवार तड़के महाराष्ट्र के पालघर शहर के पास एक राष्ट्रीयकृत बैंक की स्वचालित टेलर मशीन तोड़ दी, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा क्योंकि अंदर कोई नकदी नहीं थी। इसकी जानकारी पुलिस ने दी। उन्होंने बताया कि यह घटना पालघर तालुका के मसवान गांव में हुई। मनेर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा, कुछ बदमाश रात करीब 2 बजे एक राष्ट्रीयकृत बैंक के एटीएम कियोस्क में घुस गए। उन्होंने न सिर्फ एटीएम बॉक्स तोड़ दिया बल्कि कमरे के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि हालांकि वे एटीएम से कुछ भी नहीं ले सके क्योंकि उसमें कोई नकदी नहीं थी, क्योंकि मशीन में कुछ मरम्मत का काम चल रहा था। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, जिनकी अभी पहचान नहीं हो पाई है।